हे गाइस वेलकम बैक टू द भाई न्यू वीडियो। तो भाई देखो यार, आज की इस वीडियो के आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसा जुगाड़ बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपनी गैस को चला सकते हो। मतलब कि जैसे कि मान लो आपके घर में ना ये सिलेंडर ठीक है ख़त्म हो गया, गैस ख़त्म हो गई, तो आपको मतलब खाना है कुछ भी काम करना हो तो आप लोग इस चूल्हे को जलाना पड़ता है। किसकी मदद से? इस गैस से, मतलब सिलेंडर की मदद से, जिसके अंदर होती है LPG गैस, जो कि हमारे खाना वाना पकाने में और भी काम में आती है, यूज़ होने के लिए। ठीक है, तो भाई ये रहा एक सिंपल सा गैस चूल्हा जिसमें यहाँ पर एक पाइप लग रखी है और इस पाइप में मतलब यहाँ पे हम सिलेंडर की नोज़ल को कनेक्ट करते हैं, बोलते हैं रेगुलेटर, जिससे गैस यहाँ से आके और यहाँ से हम ऑन ऑफ काम को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई लेकिन आज हम लोग क्या काम करने वाले हैं? आज हम लोग इस ब्लैक हिट की मदद से, जो कि कॉकरोच को मारने में काम आता है, इसकी मदद से इस गैस को चलाने वाले हैं। देखने वाले हैं क्या ये चलेगी या नहीं चलेगी। इस पे मतलब पानी गर्म करके देखेंगे या फिर कुछ पका के देखेंगे वो पकता है नहीं पकता। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। मतलब देखो भाई, वो तो हो गया एक बड़ा सिलेंडर, ये छोटा सिलेंडर हो गया। ठीक है, तो भाई ये मतलब ना ये फ्लेमेबल गैस होती है बहुत ही ज़्यादा, और ये स्प्रे डेली इन एवरी, और ये हमारे पास में न्यू हिट है। ठीक है भाई, डेंजर काफ़ी है ये। ठीक है, तो आप लोग ऐसा कुछ भी घर बिल्कुल भी ट्राई मत करना। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। इसकी यहाँ पर ना एक नोज़ल लग रखी है, ये आप लोगों को दिखूँगी मैं एक बार, यहाँ पर स्प्रे करके दिखा दूँ आपको एक बार। काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस नोज़ल में हम लोगों को यहाँ से इसमें लगा दूंगा ऐसे करके, और फिर मैं यहाँ से दूंगा इसके अंदर प्रेशर कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर आएगी वो गैस। तो पता नहीं होगा नहीं होगा, देखते हैं। व्यूअर्स कृपया ध्यान दें, यह वीडियो आपके मनोरंजन के लिए है, कृपया इन्हें घर पे दोहराने की कोशिश ना करें। तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं अपना सामान भाई, स्टार्ट करते हैं फटाफट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा दूर हो जाता हूँ यार, थोड़ा इस साइड आ जाता हूँ, आप लोग आराम से अब दिख रहा होगा। तो ये रही वो नोज़ल, पहले मैं इसके अंदर से लगा दूँ अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जैसे स्टार्ट करूँगा यार, इसमें से ना निकल रहा है वो, तो मुझे इसके ऊपर एक कॉटन यहाँ पर ना इस गैस को चालू कर देता हूँ मैं बस। भाई पाइप से मेरे खास जुगाड़ नहीं बनना, इस पाइप को निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इस पाइप को निकाल देता हूँ। तो भाई यार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद हम लोगों ने वो पाइप यहाँ से निकाल दिया यार, बहुत टाइम लग गया। ठीक है, अब हम बिना पाइप के यहाँ पर ट्राई करेंगे सीधा यहाँ से आके। यहाँ पर अगर आ गए तो हमारी ये है सिलेंडर, छोटा सिलेंडर जो बोल रहे हैं उसे काम कर जाएगा। तो मैं देखता हूँ एक बार, यहाँ पर इसकी नोज़ल लगा दी, अब यहाँ पे मेरे को आग लगानी पड़ेगी, देखते हैं गाइस क्या होता है। भाई यहाँ पे आग लग रही है हल्की हल्की। ये रखा मैंने यहाँ पे कागज, ठीक है, अब थोड़ा और प्रेशर से अंदर प्रेशर क्रिएट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हल्की सी माचिस, में कागज में नहीं सिर्फ इस गैस को जलाने में लगाऊंगा, और इसको इधर, तो फिर 3 2 1। तो हमारी ट्रिक जो है वो अच्छी खासी काम कर गई है, मतलब इस चीज़ से ये हमारा चूल्हा जल रहा था। अभी देखो देखो मैं लाता हूँ, चलो गाइस हमारी ट्रिक जो है ये काम तो करी है। मुझे नहीं लगा था ये काम करेगी नहीं करेगी, लेकिन यार असलियत में काम कर गई। पर हाँ, जो इतनी फ्लेम नहीं बन पा रही थी आप लोग दिख पाए, तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को फ्लेम दिखा।
ओ भाई बहुत ज़्यादा हाथ ठंडा हो गया मेरा यहाँ पर, लेकिन हमारे जो ट्रिक है ये काम कर गए, लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा नहीं तो कर भाई। यही था आज की इस वीडियो के अंदर, आप लोगों ने देखा हमारे जो काले ईंट से वजह से जिसकी मदद से हम लोग कॉकरोच को मारते हैं, आज उसने हमारी गैस जलाई और हमारा कागज़ जलाया, मतलब हमारा काम किया। सिलेंडर नहीं है तो इससे काम चल जाएगा, लेकिन इतनी देर तक नहीं चल पाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। तो यही था आज की इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, तुम्हारे भाई के चैनल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।